तो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, वेब 2.0 लिंक कैसे बनाएं। अगर आपको अपनी वेबसाइट या ब्लॉग की रैंकिंग को इम्प्रूव करना है तो वेब 2.0 लिंक्स बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप वेब 2.0 लिंक बना सकते हैं और अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको वेब 2.0 लिंक बना के भी दिखाऊंगा किसी एक प्लेटफॉर्म पर, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके कि किस तरीके से आपको वेब 2.0 प्लेटफॉर्म पर जाके अपने वेबसाइट के लिए लिंक बनाना है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वेब 2.0 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने कंटेंट को क्रिएट, शेयर और मॉडिफाई कर सकते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप वेब 2.0 प्लेटफॉर्म का यूज करके बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं चलता हूं अपनी वेबसाइट पे, ताकि आपको वो प्लेटफॉर्म्स मिल जाएं जिन पे आपको जाके वेब 2.0 लिंक बनाना है। सिंपली मैं चलता हूं अपनी वेबसाइट पे। मेरी वेबसाइट का नाम है SEO Seeds। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप इजीली और लिंक्स को एक्सेस कर सकें। सिंपली मैं चलता हूं अपनी वेबसाइट पे। यहां पे मैंने अभी रिसेंट में एक पोस्ट डाली है वेब 2.0 साइट्स की, ये वाली। इसमें मैंने कुछ साइट ऐसी मेंशन करी हैं, अब जाके सिंपली इन प्लेटफॉर्म पर जाकर वेब 2.0 लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको इनमें से किसी एक पर या फिर दो पर मैं आपको वेब 2.0 लिंक बना के दिखाऊंगा, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके कि किस तरीके से आपको वेब 2.0 लिंक बनाना है। इस लिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो मैं चलता हूँ किसी एक प्लेटफॉर्म पर, जैसे वर्डप्रेस है। ब्लॉगर के बारे में तो काफी लोगों को पता होगा, तो मैं टम्बलर पे चलता हूँ। किस तरीके से आपको इन दोनों साइट पे जाके वेब 2.0 लिंक बनाना है। सपोज करो जैसे मेरी एक वेबसाइट है, सर्विस वेबसाइट SP मार्केटर। तो ये मेरी सर्विस वेबसाइट है, मुझे इसके लिए वेब 2.0 लिंक बनाना है। जैसे एक पेज है SEO सर्विस वाला, इस पेज के लिए। तो सिंपली मैं चलता हूँ पहले वर्डप्रेस वाले पे। इस पे मुझे अकाउंट बनाना है, तो मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा। सिंपली देखो यहाँ पे हमारा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है चूज योर डोमेन। तो हमें कोई भी यहाँ पे अपना एक वेबसाइट से रिलेटेड या फिर जो भी आपका कीवर्ड से उससे रिलेटेड भी आप यहाँ पे अपना डोमेन नेम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपने वेबसाइट के नाम से देखता हूँ, जैसे वेबसाइट का नाम है SP मार्केटर, ये कोई अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जैसे यहाँ पे देखोगे SP मार्केटर 4 इस तरीके से एग्जैक्ट तो मुझे नहीं मिल रहा, फ्री वाले हम सब डोमेन यहाँ पे लेने हैं। तो जैसे SP मार्केटर या फिर मैं हाइफन लाके देखता हूँ, हाइफन लाके मिल जाता है क्या? तो देखो वैसे तो मुझे नहीं मिल रहा यहाँ पे। सिंपली मैं इस वाले को ले लेता हूँ, SP मार्केटर 4 वाले को। फ्री लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हमें जो सब डोमेन मिलने वाला है बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो मैं सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे हमसे कुछ वर्डप्रेस के जो प्राइसिंग फीचर है वो हमसे पूछ रहा है ऑप्शन। तो हम यहाँ सिंपली स्टार्ट विद फ्री पे क्लिक करेंगे। सिंपली हमें आपसे पूछ रहा है कि आपका जो बेसिकली इस वेबसाइट बनाने का गोल क्या है। तो यहाँ पे हमारा जो मेन मकसद है वो ये कि हमें लिखना है और पब्लिश करना है। तो यहाँ पे देखो राइट एंड पब्लिश है, या फिर अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सेल करना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शन सेलेक्ट करे हैं, प्रमोट माई सेल्फ और बिजनेस, या फिर राइट एंड पब्लिश। सिंपली मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आपसे साइट टाइटल पूछ रहा है, साइट का यहाँ पे मैं टाइटल डाल दे रहा हूँ जैसे SP मार्केटर। यहाँ पे आपसे वो जो टैगलाइन ये ऑप्शनल है, वो पर भी ब्लॉगर नेम ऑप्शनल है, आप इसको बाद में भी सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली पहले डाल देता हूँ टैगलाइन भी, मार्केटिंग सॉल्यूशन। तो मैं टैगलाइन यहाँ डाल चुका हूँ, तो मैंने यहाँ पर टैगलाइन डाल दी है। सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ऑप्शन है स्टार्ट राइटिंग या फिर स्टार्ट लर्निंग या व्यू डिजाइन। सिंपली हम इसको स्किप करेंगे। ऊपर देखो यहाँ स्किप टू डैशबोर्ड लिखा हुआ है, ये यहाँ पे अभी हमारी साइट को कस्टमाइज कर रहा है खुद से। सीधा अब हमें क्या होगा, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे लेके आ चुका है। सिंपली अपनी हम साइट देख लेते हैं अभी। माई साइट पे क्लिक करो, ऊपर कमिंग सून लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम विजिट साइट करते हैं। अभी हमारी साइट कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो डिफॉल्ट हमारी पोस्ट डली हुई होगी हेलो वर्ल्ड वाली, इसको हम डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे तीन पोस्ट डली हुई, इनको हम डिलीट करते हैं। ठीक है, पोस्ट हमारी यहाँ पे डिलीट हो चुकी है। और सिंपली यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंटेंट लिख सकते हैं और सिंपली यहाँ पे अपने कंटेंट को शेयर कर सकते हैं और यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं अपनी कंटेंट का। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं थीम चेंज कर लेता हूँ कोई सी, कोई देखते हैं जो हमें फ्री थीम मिल जाए बढ़िया सी। जैसे मुझे एक थीम मिली न्यूज़ वाली, तो इसको मैं एक्टिवेट करता हूँ और थीम यहाँ पे एक्टिवेट हो रही है और थीम एक्टिवेट हो चुकी है। व्यू साइड पे क्लिक करो तो आपकी साइट अभी कुछ इस तरीके से दिख रही है। इसको आपको कस्टमाइज करना है तो आप सिंपली या फिर सबसे पहले हम लॉन्च साइट कर लेते हैं, साइट को लॉन्च कर लेते हैं ताकि वो पब्लिकली विजिबल हो जाए। तो SP मार्केटर 4 ये वाली थी हमारी, इसकी परचेस फ्री कीप दिस प्लान। तो ये हमारा पेज अभी लाइव है, इसको मैं अगर इनको टाइम चेक करता हूँ तो देखो अभी हमारा लाइव चल रहा है। अब हम इसको थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर लेते हैं यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे देखोगे, चलते हैं माई साइट्स में, वहीं साइट्स में गई और यहाँ पे नीचे अपीयरेंस में आने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा एडिटर। एडिटर पे क्लिक करें तो एडिटर पे क्लिक करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। जैसे आपको ये हेडिंग चेंज करनी है तो आप यहाँ पे सिंपली इसको हेडिंग को चेंज कर सकते हैं, और आपको यहाँ लोगो चेंज करनी है आप सिंपली यहाँ लोगो चेंज कर सकते हैं।
ये हटाना, या फिर आपको कोई यहाँ पे कुछ और चीज़ वहाँ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं डिलीट करके। यहाँ से सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिलीट भी हो जाएगा। नीचे देखो डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट कर सकते हैं, न्यू चीज़ ऐड कर सकते हैं। और जैसे यहाँ पे देखोगे यह पेज बना हुआ अबाउट अस का, अभी यहाँ पे आप मेन्यू चाहे मेन्यू ऐड कर सकते हैं, डिफॉल्ट अभी यहाँ अबाउट आ रहा है। बाकी आप पेज लिस्ट पे देखोगे तो आपका पेज यहाँ पर आ जाएगा, कोई हो तो मेन्यू ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी और वेबसाइट का लिंक ऐड करना चाहते हैं मेन्यू में, जैसे मैं चलता हूँ अपनी वेबसाइट पर, जैसे मुझे इसका ब्लॉग वाला पेज है इसका मुझे यहाँ पर मेन्यू देना है, लिंक कॉपी करूँगा और सिंपली मैं चलता हूँ इसको, मैं कैंसिल करता हूँ, कंट्रोल जेड, ऐड लिंक पे आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिंक डाला, लिंक आ गया। तो इसका मैं नाम दूंगा लेबल नेम ब्लॉग, सेव करके मैं दिखा देता हूँ। अब सिंपली यहाँ पे मेन्यू सेट कर सकते हैं इस तरीके से। ये मेरी साइट अबाउट का पेज यहाँ पे है, ब्लॉग वाला पेज लिंक लगाया था मैंने अभी, सिंपली मेरा इस पेज पे आ रहा है ब्लॉग वाले पे। और आपको ये हेडिंग चेंज करनी है, सिंपली यहीं पे एडिटर पर जाओगे, नीचे देखोगे तो आपको ये हेडिंग भी यहाँ चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, डिलीट भी कर सकते हो। आपको नहीं रखना तो डिलीट कर दीजिए, नहीं तो आप इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अब सिंपली आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अब मुझे क्या करना है, कंटेंट क्रिएट करना है, तो मैं चलता हूँ पोस्ट में और ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करूंगा। और सिंपली यहाँ पे मैं अपनी पोस्ट डाल सकता हूँ, जैसे यहाँ पे टाइटल आ गया और यहाँ पे कंटेंट आ गया, तो इस तरीके से यहाँ पोस्ट आ गई। अब यहाँ पे सिंपली अपनी वेबसाइट का आप लिंक लगा सकते हैं किसी भी कीवर्ड पर जो भी आप टारगेट कर रहे हैं उस तरीके से, उस हिसाब से यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं। और सिंपली यहाँ पोस्ट पे यहाँ पे आप कैटेगरी बना सकते हैं अपने हिसाब से और टैग्स डाल सकते हैं। और यहाँ फीचर इमेज का ऑप्शन है, आप इमेज सेट कर सकते हैं इस पोस्ट के हिसाब से। सिंपली आपको इसे पब्लिश कर देना है, जैसे आप इसको पब्लिश करेंगे तो ये आपको होम पेज पे दिख जाएगी। तो व्यू पोस्ट कर लेते हैं, तो हमारी पोस्ट कुछ अभी इस तरीके से दिख रही है, क्यों मैंने इसमें इमेज लगाई नहीं है अभी। बाकी आप चाहें फुटर को भी एडिट कर सकते हैं साइड एडिटर से, आपको ये फुटर भी एडिट हो जाएगा आपका ये। तो ये मेरी पोस्ट हो चुकी है, अभी मैंने इसमें लिंक नहीं लगाया क्योंकि ये कंटेंट मेरा उस वेबसाइट के लिए नहीं है, लेकिन आप उसमें लिंक लगा सकते हैं सिंपली। जैसे ये पोस्ट है, मैं चलता हूँ अपनी माई साइट पे पोस्ट और इसको मैं करता हूँ एडिट। तो आप सिंपली जैसे आपको मान लो कीवर्ड हाई क्वालिटी बैक लिंक्स, तो आप सिंपली इस पर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे देखो लिंक ऑप्शन है, यहाँ पे लिंक डाल दीजिए जो भी आपका लिंक है, इस तरीके से आपका लिंक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपली अपने कंटेंट यहाँ पे लिख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अब बात आती है कि आप इसको इंडेक्स कैसे कराएंगे। तो देखो वर्डप्रेस में तो ऐसा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल में इसको इंडेक्स करवा सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, चलता हूँ अपने इसमें वेबसाइट में। यहाँ पे आप आओगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा टूल्स में मार्केटिंग का, मार्केटिंग वाले ऑप्शन में आओगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा ट्रैफिक वाला ऑप्शन। ट्रैफिक में आओगे नीचे, यहाँ देखो आपको ऑप्शन है गूगल का, यहाँ पे मेटा जो वेरिफिकेशन कोड होता है वो डालने का। तो मैं चलता हूँ गूगल सर्च कंसोल पे, गूगल सर्च कंसोल सर्च करूँगा गूगल पे। मैं गूगल सर्च कंसोल पे मैं आ चुका हूँ, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करो और जो आपकी वेबसाइट का लिंक है डोमेन है आपको उसको कॉपी करना है। और सिंपली सर्च कंसोल में आओ पे क्लिक करो और ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करो और यूआरएल प्रीफिक्स वाले ऑप्शन को चूज करो। इसमें यहाँ पे अपना जो URL आपकी वेबसाइट का जो हमने बनाया है अभी, उसको यहाँ पे डालो और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करो। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आप वेरिफिकेशन के काफी ऑप्शन है, तो हमें HTML टैग वाला ऑप्शन लेना है, कॉपी करो ये कोड है जो, सिंपली चलो वर्डप्रेस पे और यहाँ पे उसको पेस्ट कर दो और सेव सेटिंग पे क्लिक कर दो। सेटिंग सेव हो चुकी है, सिंपली चलो कंसोल पर और यहाँ पे उसको वेरीफाई कर दो ताकि गूगल को पता चल जाए कि हमने वेबसाइट बनाई है और गूगल इसको क्रॉल कर सके और उसको इंडेक्स कर सके। वेबसाइट वेरीफाइड हो चुकी है, गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करो और जो आपके वेबसाइट का लिंक है उसको कॉपी करो और यहाँ पे टूल है यूआरएल इंस्पेक्शन का, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे सर्च करो। क्या आपको स्टेटस दिखा देगा अभी, स्टेटस क्या है इसका, ये इंडेक्स है या फिर नहीं। अभी यहाँ पे लिखा हुआ रहा है यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, इसका मतलब ये भी इंडेक्स नहीं है क्योंकि अभी ये तो हमने अभी बनाया ही है। तो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करो ताकि मैनुअली इंडेक्सिंग हो सके जल्दी से जल्दी इसकी। तो इस तरीके से आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को जो आपने वेब 2.0 लिंक बनाया है उसको आप इंडेक्स करा सकते हैं इजिली। तो इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट हम कर चुके हैं, सिंपली जैसे अभी अभी हमने पोस्ट डाली थी आप उसको भी कर सकते हो इंडेक्स के लिए। यहाँ पे इंडेक्स यहाँ पे ये डालो यूआरएल इंस्पेक्शन टूल में, सिंपली एंटर मारो, सेम प्रोसेस है। इसमें भी आपको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करनी है ताकि जल्द से जल्दी हमारी वेबसाइट है वर्डप्रेस वाली जो हमने बनाई है वेब 2.0 लिंक इंडेक्स हो सके। तो हमने देखा कि किस तरीके से आप वेब 2.0 जो प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस, आप किस तरीके से हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट के लिंक बना सकते हैं, कैसे इसको गूगल में इंडेक्स करा सकते हैं। यहाँ पे इंडेक्स रिक्वेस्टिंग हम कर चुके हैं, जैसे ही गूगल का क्रॉलर को पता चलेगा कि वेबसाइट हमने यहाँ पे सबमिट करी है, जल्द से जल्द गूगल उसको क्या करेगा, इंडेक्स कर लेगा अपने डाटाबेस में। अब चलते हैं हम टम्बलर पर, टम्बलर पर भी हम सिंपली यहाँ पे साइन मी अप पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करो और अपने जीमेल से यहाँ पे साइन अप कर लो। यहाँ पे आपसे ये ब्लॉग नेम पूछा था, मैं डालता हूँ ब्लॉग नेम एसपी मार्केटर, डेट ऑफ बर्थ पूछा आप डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए रैंडमली और यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे बोलिए टेकन है मैं, तो यूजर नेम यहाँ पर डालना कुछ इस तरीके से एसपी मार्केटर, देखते हैं अवेलेबल है या फिर नहीं। तो अवेलेबल नहीं है, हम डालते हैं कोई नंबर, हमारा यूनिक हो चुका है। अब यहाँ पे हमसे कुछ टॉपिक्स पूछ रहा है तो अभी हम फॉलो ऑल पे क्लिक करके नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग हमसे फॉलो करने के लिए कह रहा है तो फॉलो ऑल पे क्लिक करो, नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाओ। अब हम चलते हैं, हमें बनाना है वेब 2.0 साइट, यहाँ पे अकाउंट पे गए, यहाँ पे देखो प्रोफाइल एसपी मार्केटर 4 मेरी प्रोफाइल है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ ब्लॉग सेटिंग पे,
यहाँ पे आप इमेज चेंज कर सकते हैं। और सिंपली मैं चलता हूँ, यहाँ पे नीचे आओगे, सिंपली नीचे आओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टम थीम का, इनेबल कस्टम थीम, इसको इनेबल करें और एडिट थीम पे क्लिक करें। यहाँ पे आप सिंपली हेडर डाल लीजिए अपने का ब्लॉग का, जो मैं कस्टम में डाल चुका हूँ, और आप हेडर इमेज चेंज कर सकते हैं और आप यहाँ अवतार लगा सकते हैं अपना प्रोफाइल इस तरीके से। ठीक है, आप चाहें ये आपकी जो आप यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं कि टाइटल डिस्क्रिप्शन देखना चाहिए या फिर नहीं। नीचे आप देखोगे यहाँ पे आपको और पेज ऐड करने हैं, ऐड ए पेज पे क्लिक करें, पेज का टाइटल डालें और यहाँ पे जो भी उसका फॉर्मेट है आप डाल दीजिए, तो आपका न्यू पेज यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसको मैं सेव पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं एग्जिट होता हूँ। और यहाँ पे देखो यहाँ लिंक दिया हुआ है नीचे, ये वाला एड्रेस वाला, इस पर क्लिक करो। ये आपका यहाँ पे आप कैसे कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, सिंपल यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करो, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, टेक्स्ट का, फोटो का, कोड का, लिंक का, चैट, ऑडियो, वीडियो। आप सिंपली यहाँ पर डायरेक्ट लिंक पे शेयर कर सकते हैं, जैसे मैं अपनी वेबसाइट का लिंक कॉपी करता हूँ, ब्लॉग वाले या कोई भी सर्विस का लिंक कॉपी किया, यहाँ पे लिंक डाला, इंसर्ट पे क्लिक करो, सिंपली यहाँ पे यह क्या पेज एम्बेड कर देगा। और सिंपली यहाँ पे क्या हैशटैग लगा सकते हो, देखोगे यहाँ पेज मेरा आ चुका है, हैशटैग लगा सकते हो अपनी पेज के हिसाब से। सिंपली यहाँ पोस्ट पे क्लिक कर सकते हो, पोस्ट नाउ मैं आपको दिखाता हूँ मेरा पोस्ट जो डाली है, यहाँ पे देखोगे मेरी पोस्ट आ चुकी है, यहाँ पे लिंक है, लिंक क्लिक करूंगा तो मैं उस पर पहुंच जाऊँ अपने पेज पर। खुद से भी लिख के डाल सकते हैं, टेक्स्ट पे क्लिक करें या टाइटल डालें, यहाँ पे जो आपको लिखना है वो लिखें और यहाँ पे लिंक लगा दें उस हिसाब से। जैसे मैं यहाँ से कंटेंट कॉपी करके दिखाता हूँ कुछ, मान लो ये मेरे कंटेंट है, मैंने यहाँ डाला, यहाँ मेरा टाइटल है कुछ रैंडमली, और मुझे जो भी मेरा कीवर्ड है, मान लो मुझे इस पर लिंक लगाना है, सिंपली सिलेक्ट करो और अपने यहाँ वेबसाइट का लिंक लगा दो, इस तरीके से पोस्ट नाउ पे क्लिक करो, टैग डाल के ये पोस्ट हो जाएगा। अब हमें इसको भी इंडेक्स कराना है, तो इसमें भी देखो ऑप्शन होता है, आप इसको भी सर्च कंसोल से वेरीफाई कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। दोबारा एडिट थीम पे चलते हैं, तो इसको भी हम लिंक कॉपी कर लेते हैं, इसका भी यूआरएल, वो चलते हैं कंसोल पर और यहाँ पे न्यू प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। ऐड ए प्रॉपर्टी पे क्लिक किया और यूआरएल प्रीफिक्स वाला ऑप्शन हमने चूज करा और कंटिन्यू पे क्लिक करा। इसके लिए भी हम एचटीएमएल टैग यूज करने वाले हैं, तो एचटीएमएल टैग कॉपी किया और गए हम अपने टम्बलर पर कस्टमाइज वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऊपर एडिट एचटीएमएल, यहाँ पे एडिट एचटीएमएल पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा हेड सेक्शन, यहाँ पे दिख जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे एंटर मारना। जो कोड अभी सर्च कंसोल ने हमें दिया यहाँ पे आपको सिंपली इसको पेस्ट कर देना है और अपडेट प्रीव्यू पे क्लिक करें ताकि ये अपडेट हो सके, और सेव पे क्लिक करते हैं। सेव हमारा हो चुका है ये, और एक बार हम जाके कंसोल में जाके उसको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई हो चुकी है। सिंपली इसको भी आप इंडेक्सिंग कर सकते हैं, अपने इसको लिंक कॉपी किया और सिंपली कंसोल में आए, एंटर मारा, इस गूगल चेक करेगा कि अभी इंडेक्स है या फिर नहीं, तो अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, तो हमें सिंपली इसको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करनी है ताकि ये भी जल्द से जल्द इंडेक्स हो सके। तो इस तरीके से आप इसको अभी टम्बलर वाला जो आपका वेब 2.0 है, लिंक जो हमने बनाया है प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे आके आप इसको अभी गूगल में इंडेक्स कर सकते हैं और यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं। इसी तरीके से आप जो साइट्स हैं जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई है, इसी तरीके से आपको कुछ साइट ऐसी मिलेंगी कि जहाँ पे आपको सर्च कंसोल का वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा वेरिफिकेशन कोड डालने का, तो वहाँ पे सिंपली आपको क्या करना होगा, उस लिंक पे आपको बैकलिंक बनाना होगा, उसका प्रमोशन करना होगा, ताकि गूगल आपकी वेबसाइट को जो आपने लिंक वेब 2.0 लिंक बनाया है उसको जल्दी से जल्दी गूगल क्रॉल कर सके और उसको इंडेक्स कर सके। तो उसके लिए आप उस यूआरएल पर बैकलिंक बना सकते हैं, उसके लिए आप बुकमार्किंग या फिर प्रोफाइल क्रिएशन या फिर उसको प्रमोट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, ताकि वो जल्दी से जल्द इंडेक्स हो सके। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप वेब 2.0 लिंक बना सकते हैं। तो मैंने आपको वेब 2.0 लिंक की साइट्स दे दी है, आपको उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली इन साइट्स पर जाइए और अपनी वेबसाइट के लिए वेब 2.0 लिंक बनाइए। अगर आपका कोई डाउट है या क्वेश्चन है वेब 2.0 लिंक बनाने से रिलेटेड, तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई एसईओ का कोई डाउट है या क्वेश्चन है, तो मैंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया हुआ है, मैंने उसका लिंक कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ था, अगर आपने वो अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाइए उसको ज्वाइन कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो सिंपली व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे मैसेज कीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, मैं वहां भी लोगों के डाउट्स क्लियर करता हूं। तो जाइए हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।